गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम फिट एंड फाइन हूँ। तो आज है करवा चौथ, तो फर्स्टली आप सभी लोगों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो शुरू करते हैं आज का रूटीन। सब्जी मेरी कट चुकी है और मैं जल्दी से बना लेती हूँ रोटियाँ, क्योंकि बच्चों की तो आज छुट्टी है, बट नाश्ता तो सुबह का करना ही पड़ता है रेडी। जल्दी से मैं रोटियाँ बना लेती हूँ। बना चुकी हूँ, तो मेरी मेहंदी का रंग देखिए आप लोग, दिन में लगाई थी मैंने। और फिर आज मेरा खुल गया है धोबी घाट। बहुत ज़्यादा कपड़े हैं आज, तो बहुत टाइम लगेगा धोने में, बहुत सारे कपड़े हैं। तो मैं जल्दी से कपड़े वपड़े धो लेती हूँ। और सारी चीज़ें जानवरों का सब दीदी ने कर दिया है, क्योंकि आज है मेरा फास्ट। दीदी का तो नहीं रहता है, मेरा रहता है, तो इस वजह से उन्होंने सारा काम निपटा लिया है। मैंने सिर्फ नाश्ता रेडी किया और उसके बाद अब मैं कपड़े धो रही हूँ। कपड़े वपड़े मेरे पूरे हो जाते हैं, उसके बाद मैं नहा धो के आ जाती हूँ पूजा के लिए मंदिर पे। तो ये मेरी सारी सामग्री है, पूजा सामग्री, और जो दी जाती है सास को, वो सब पूजा वगैरह मैंने लगा दी है नहाने के बाद। और उसके बाद मैं दोबारा से आप लोगों को अपनी मेहंदी का रंग दिखाती हूँ। तो ये है मेरी मेहंदी और ये है मेरा चूड़ा। तो मैंने मतलब ऐसे वीडियो शूट किया था और आवाज़ म्यूट कर दी, क्योंकि कॉपीराइट लग जा रहा है, कोई भी साउंड लगाओ तो कॉपीराइट लग जा रहा है, इसलिए मैंने साउंड इसमें कर दिया है म्यूट। और फिर उसके बाद ये मंदिर का मैंने थोड़ा सा वीडियो वगैरह जो शूट की थी, तो वो साउंड वगैरह मैंने नहीं डाला है, क्योंकि फिर कॉपीराइट लग जा रहा है, फिर साउंड हटाना पड़ रहा है इस वजह से। तो मैंने कुछ भी साउंड वगैरह सब कर दिया था म्यूट। पूजा करने के बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। किचन का काम पूरा फैला हुआ है, बर्तन वगैरह जो भी नाश्ता वास्ता किया सभी लोगों ने, और दिन का खाना भी रेडी करना है, तो इसलिए मैं जल्दी से अपना रसोई का काम निपटा लेती हूँ। फिर दिन भर में वही रहता है अपना, तैयार व्यार होना या रील बिल बनाना है, जो भी करते हैं हम लोग, क्योंकि खाली रहते हैं पूरा दिन, तो काम रहता नहीं है।
व्रत वाले दिन थोड़ा कम ही काम कराया जाता है। तो फाइनली मैं आ गई हूँ थोड़ा शाम के टाइम में और बच्चे को खिला रही हूँ खाना, क्योंकि दिन में मैं सो गई थी, ये भी सो गया था, तो मैं इसे खाना खिला रही हूँ। इसको खाना खिलाने के बाद मैं सभी लोगों के लिए चाय बना रही हूँ, तो मैं जल्दी से चाय बना लेती हूँ क्योंकि जानवरों का सारा काम दीदी कर रहे हैं, तो मैं चाय बाई किचन का ही देख रही हूँ। जल्दी से मैं अपना सारा सब्जी वगैरह जो भी प्रसाद वगैरह बनना है वो बना लेती हूँ, तो उसके बाद क्या कहते हैं पूजा भी लगानी पड़ती है। सूर्य अस्त होने से पहले ही हमें करवा चौथ की जो कथा होती है वो पढ़नी होती है, तो उसके बाद सास को जो भी देते हैं भेंट वगैरह साड़ी वगैरह जो भी देते हैं वो सूर्य अस्त होते टाइम मतलब सूर्य अस्त होने से पहले सारा प्रोसेस हो जाता है। तो मुझे काम भी है ही शाम के टाइम, क्योंकि सारा खाना वगैरह तैयार करना है और दूध दूध वगैरह भी लगाना है, तो इस वजह से तो मैं आज बना रही हूँ कद्दू। तो कद्दू की सब्जी मेरी बनेगी और साथ में शायद बूढ़ी का रायता, सेवई की खीर, पूड़ियाँ वगैरह यही सब मैं बनाऊँगी, थोड़ा मिठाई विठाई वगैरह होगी, तो ये सब सारी चीज़ें रहेंगी। तो मैं जल्दी से प्रसाद वगैरह तैयार कर लेती हूँ जो भी पूजा का, उसके बाद मुझे जाना है दूध लगाने। के मैं आ गई हूँ जानवर का दूध लगाने, तो मैं जल्दी से दूध लगा लेती हूँ। आज मैंने दूसरी वाली गाय का सूट किया, वाली गाय का नहीं किया मैं हमेशा, क्योंकि जो काली वाली गाय है उसका ही दूध लगाती हूँ सूट करती हूँ, तो आज मैंने इसका भी सूट कर लिया है, क्योंकि उसमें ना कैमरे में मेरे आगे से ब्लर आ रहा है क्योंकि पानी घुस गया था कल परसों, तो उस वजह से कैमरा हो गया खराब, तो पीछे वाले कैमरे से मुझे सूट करना पड़ रहा है, तो इसी वजह से तो नज़दीक का सूट हो नहीं पा रहा है, तो पीछे वाले कैमरे से दूर का सूट हो रहा था, तो मैंने इसका ही सूट किया। चलते हैं मंदिर में। तो मंदिर में ना शूट करते हुए कैमरा बार बार गिर जा रहा था, तो मुझे अपने हाथ से सब कुछ करना था। पूजा मेरी हो गई है, उसके बाद सास को जो साड़ी वाड़ी वगैरह देते हैं जो भी भेंट देते हैं वो सब मैं दे रही हूँ। बाद में हो गई हूँ शाम के लिए रेडी, खाना वाना मैंने सब बना दिया है, उसके बाद में खुद हो गई हूँ रेडी और चाँद का और हस्बैंड जी का इंतज़ार हो रहा है, तब तक मैं एक आध शूट कर लेती हूँ वीडियो। तो मैंने स्लो मोशन में वीडियो शूट की थी ये, तो इसका मैंने क्या कहते हैं साउंड वगैरह कर दिया है सब म्यूट। सो फाइनली आ चुका है चांद, हम चले गए छत में, पूजा हो चुकी है मेरी शुरू, तो फर्स्टली जो भी चांद को पूजा की जाती है टीका छत पानी अर्घ वगैरह देने के बाद पति देव की आरती होगी। पूजा की जो भी सारी विधि होती है वो मैंने की और जो पानी भी किए, अपना व्रत किया पूरा। तो इसी के साथ ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।